आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम यूपीएससी आईएससी सेट के फिजिक्स के सेट 3 की क्विज लेने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फिनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, जो फिनोमेनन है रेडियो एक्टिविटी का वो किसने ढूंढ निकाला? मैडम क्यूरी, हेनरी बेक्यूरल, जूलियट क्यूरी एंड फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग इन टेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हेनरी बेक्यूरल। एंटोनी हेनरी बेक्यूरल वॉज ए फ्रेंच इंजीनियर, एक फ्रेंच इंजीनियर थे, फिजिसिस्ट थे, नोबल लॉरेट थे एंड द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द एविडेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ही डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव एज ए फिनोमेनन सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एक्स रेज एंड डॉक्यूमेंट द डिफरेंसेज बिटवीन द टू। हेनरी बेक्यूरल लर्न ऑफ रॉन्गेंटन्स डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज थ्रू द फ्लोरोस्किन दैट सम मटेरियल्स प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच फॉल्स डाउन फास्टेस्ट इन वैक्यूम, अ फीदर, अ वुडन और ए स्टील बॉल। अगर वैक्यूम में इन तीनों को छोड़ा जाए, अ फीदर को यानी कि एक जो फीदर यानी कि जो बर्ड्स का जो ये होते हैं पर उसको, वुडन यानी कि लकड़े को और स्टील बॉल यानी कि स्टील के बॉल को, तो सबसे पहले फास्टेस्ट कौन नीचे आएगा? ऑप्शन वुडन बॉल, फीदर बॉल, स्टील, ऑल विल फॉल डाउन एट द सेम स्पीड। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, ऑल विल फॉल डाउन एट द सेम स्पीड। नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल इन ए वैक्यूम विल एक्सेलरेट एट अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, हिंस ऑल थ्री ऑब्जेक्ट्स वुड फॉल एट द सेम स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वॉट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का? 39.5 डिग्री सेल्सियस, 35.8 डिग्री सेल्सियस, 37.0 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है थर्ड, 37.0 डिग्री सेल्सियस। द नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी रेस्टिंग एडल्ट ह्यूमन बींग इज स्टेटेड टू बी एट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.0 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में यहाँ पे टेम्परेचर दिया होगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.0 डिग्री सेल्सियस इतना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ माइक्रोन इज इक्विवेलेंट टू, एक माइक्रोन कितने इक्विवेलेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन 1/10,00,000 मिलीमीटर, 1/100 सेंटीमीटर, 1/1,000 सेंटीमीटर, 1/1,000 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 1/1,000 मिलीमीटर माइक्रोमीटर, सॉरी यहाँ पे मिलीमीटर नहीं, यहाँ पे माइक्रोमीटर हुआ है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1,000 माइक्रोमीटर। द माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर ऑल्सो कॉमनली नोन बाय द प्रीवियस नेम माइक्रोन इज एन एसआई डिराइव्ड यूनिट ऑफ लेंथ इक्वलिंग 1×10⁻⁶ मीटर, दैट इज 1/1,000,000 ऑफ ए मीटर। करेक्ट आंसर इज डी, 10⁻⁶ मीटर यानी कि एक माइक्रोन यानी कि एक माइक्रोमीटर। तो माइक्रोन का जो इक्विवेलेंट है वो है 1/1,000 माइक्रोमीटर, दैट इज 1/1,000,000 ऑफ ए मीटर। करेक्ट आंसर इज डी यानी कि 1/1,000 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स गिव द सेम रीडिंग, कितने टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल्स सेम रीडिंग देती है? तो इसका आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 केल्विन, -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री केल्विन। तो इसका सही आंसर है थर्ड, -40 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सी इंटू 1/8 प्लस 32। वेन F is equals to C, the equation becomes F is equals to C, C is equals to C into 1.8 plus 32 minus 0.8 C is equals to 32, C is equals to minus 32 upon 0.8, C is equals to minus 40 degrees। तो इस equation से इस तरह से हमने F is equals to C को fill कर दिया, F is equals to C, then C is equals to C into 1.8 plus 32 minus 0.8 C is equals to 32, C is equals to minus 32 upon 0.8
एंड सी इज इक्वल्स टू -40 डिग्री। तो इस तरह से हमें मिल चुका है कि -40 डिग्री सेल्सियस पर फारेनहाइट स्केल की और सेंटीग्रेड स्केल की दोनों ही जो थर्मामीटर्स होते हैं उसके टेम्परेचर एक ही रीडिंग दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू वी प्रिफर वाइट क्लॉथ इन समर। हम वाइट क्लॉथ समर में क्यों प्रिफर करते हैं? दे आर पुअर एब्जॉर्बर्स एंड पुअर इमिटर्स, दे आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड पुअर इमिटर्स बिकॉज वाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड देयर बाय डज नॉट हीट अप द बॉडी, वाइट एब्जॉर्ब लाइट एंड कीप अस कूल। तो क्यों हम वाइट क्लॉथ को प्रिफर करते हैं समर में? दे आर पुअर एब्जॉर्बर्स एंड पुअर इमिटर्स, वो पुअर एब्जॉर्बर्स होते हैं और पुअर इमिटर्स होते हैं। दे आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड पुअर इमिटर्स, गुड ऑब्जर्वर्स होते हैं और पुअर इमिटर्स होते हैं बिकॉज वाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड दे बाय डज नॉट हीट अप द बॉडी, वाइट एब्जॉर्ब लाइट एंड कीप अस कूल। तो इसका सही आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू वी प्रिफर वाइट क्लॉथ इन समर। हम वाइट क्लॉथ को क्यों प्रिफर करते हैं समर में? फर्स्ट, दे आर पुअर एब्जॉर्बर्स एंड पुअर इमिटर्स। सेकंड, दे आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड पुअर इमिटर्स। थर्ड, बिकॉज वाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड देयर बाय डज नॉट हीट अप द बॉडी। थर्ड, वाइट एब्जॉर्ब लाइट एंड कीप अस कूल। तो इसका सही आंसर है थर्ड, बिकॉज वाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड देयर बाय डज नॉट हीट अप द बॉडी। जो वाइट कलर होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी हीटअप नहीं होती है। इससे उल्टा हम जब ब्लैक कलर के ज़्यादा क्लॉथ होते हैं वो विंटर में यूज़ करते हैं, जब क्योंकि ब्लैक एब्जॉर्ब करता है लाइट को और जिससे हमारी बॉडी में बॉडी गर्म करने में आसानी होती है। ड्यूरिंग समर मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू वेयर वाइट ड्रेस बिकॉज वाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, बिकॉज अ ब्लैक ऑब्जेक्ट इज ब्लैक बिकॉज इट्स एब्जॉर्बिंग ऑल द लाइट, इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग एनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ पेंडुलम बॉब एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच वैल्यू इज मैक्सिमम वेन द बॉब इज इन मीन पोजिशन। पेंडुलम बॉब एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच वैल्यू इज मैक्सिमम वेन द बॉब इज इन द मीन पोजिशन। जब बॉब मीन पोजिशन पे होता है तो कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होती है? टाइम पीरियड, मास ऑफ द पार्टिकल, एप्लीट्यूड, वेलोसिटी। इसका सही आंसर है फोर्थ, वेलोसिटी। जब पेंडुलम बॉब एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है जब बॉब मीन पोजिशन पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ऐसा कौन साइंटिस्ट है जिसने रिलेशन फाइंड करके दिखाया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स में? ऑप्शन, ऑरिस्टेड, एम्पियर, लैपलेस, ओम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑरिस्टेड। ऑरिस्टेड ने रिलेशन फाइंड करके दिखाया है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ए ट्रांसवर्सली वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर हम ट्रांसवर्सली वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को देखें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो होती है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फर्स्ट, इट्स लेंथ। सेकंड, इट्स लीनियर डेंसिटी। थर्ड, द लोड। एंड फोर्थ, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, इट्स लेंथ। जो ट्रांसवर्सली वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉज प्रोपोज बाय। जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो कौन प्रोपोज करता है? पास्कल, पॉली, फ्लांक और आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर है पॉली। द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज द क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट टू आइडेंटिकल फर्मियॉन्स पार्टिकल विथ हाफ इंटेजर स्पिन कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट साइमल्टेनियसली। जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है वो क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल है जो स्टेट करता है कि जब दो आइडेंटिकल फर्मियॉन्स यानी कि पार्टिकल्स विद द हाफ इंटीजर स्पिन वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते सेम क्वांटम स्टेट साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास मेटल मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज। जो मोमेंटम होता है बॉडी का जब मास मेटल मूविंग विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, जब मास मेटल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव होता है तब mv square v, mv, my v। तो इसका सही आंसर है mv, मास इंटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास मेटल मूविंग विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
द शॉर्टन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कैन बी अचीव बा, सबसे कम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम का हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? डिक्रीजिंग इट्स लेंथ, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ, इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, इंक्रीजिंग विथ एम्पलीट्यूड। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, डिक्रीजिंग इट्स लेंथ। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ इट्स लेंथ। इसलिए अगर हम लेंथ को डिक्रीज कर दें तो पीरियड शॉर्टन हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, जो वेट होता है बॉडी का अर्थ के सेंटर पे वो कितना होता है? जीरो, इनफाइनाइट, स्लाइटली लेस देन एट द पोल्स, स्लाइटली लेस देन एट द इक्वेटर। जिसका सही आंसर है जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स एट एग्जैक्ट सेंटर ऑफ अर्थ इज नल बिकॉज वेट इज जीरो। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ के बीच में एग्जैक्ट सेंटर में वो जीरो होता है, यानी कि नल होता है, हेंस वेट इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बाय यूज ऑफ द कोल्ड वाटर हाउ विल यू सेपरेट टम्बलर्स स्टक टुगेदर इनटू ईच अदर। कोल्ड वाटर का यूज करके हम जो टम्बलर्स एक दूसरे में स्टक हो चुके हैं उसे हम किस तरह से सेपरेट करेंगे? फर्स्ट, पोरिंग कोल्ड वाटर इन द इनर टम्बलर, pouring cold water in the outer tumbler, by putting both the tumblers in the cold water, we cannot separate them by using the cold water, illogical। इसका सही आंसर है फर्स्ट, pouring cold water in the inner tumbler, when cold water causes slight contraction on the inner tumbler and it's a good chance it will release it from the next one, when जब cold water causes slight contraction, जब cold water स्लाइड कॉन्स्ट्रक्शन करता है ऑन द इनर टम्बलर में, एंड इट इज़ गुड चांस इट विल रिलीज इट फ्रॉम द नेक्स्ट वन। तो ये गुड चांस है, ये अच्छा चांस है कि वो दूसरे टम्बलर से निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ रेनबो इज कॉज्ड बाय, रेनबो किस वजह से प्रोड्यूस्ड होता है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। फोर्थ ऑप्शन इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट टू वेरियस कलर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑल ऑफ द थिंग। द रेनबो इज कॉज्ड बाय सनलाइट एंड एटमोस्फेरिक कंडीशंस। लाइट एंटर्स ए वाटर ड्रॉपलेट स्लोइंग डाउन एंड बेंडिंग एज इट गोज फ्रॉम एयर टू डेंसर वाटर। द लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द इनसाइड ऑफ द ड्रॉपलेट सेपरेटिंग इन टू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ्स और कलर्स। व्हेन लाइट एग्जिट द ड्रॉपलेट इट्स मेक्स अ रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ इट्स। वाटर ड्रॉपलेट स्पेरिकल क्यों होते हैं? ऑप्शन है सरफेस टेंशन की वजह से, सेकंड विस्कोसिटी की वजह से, थर्ड डेंसिटी इज वन, फोर्थ पोलैरिटी। तो इसका सही आंसर है सरफेस टेंशन। द रीजन ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेक्स स्पेरिकल शेप इज सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर दैट टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप एज दिस मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। पूरी दुनिया की सभी चीज़ें अपने जो सरफेस टेंशन है होते हैं या फिर जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमाइज रखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि एनर्जी को सबसे कम स्टेबल रखने की कोशिश करती हैं। और सभी दुनिया में पूरे गैलेक्सी में स्पीयर एक ऐसा शेप होता है जहाँ पे स्पेरिकल शेप ऐसा होता है जहाँ पे मिनिमम एनर्जी लगती है स्टेबल रहने में। इसलिए सबसे पहला शेप जो वाटर लेता है वो स्पेरिकल होता है सरफेस टेंशन को कम करने के लिए, या फिर मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहते हैं, जितना कम करना चाहते हैं हर एक ऑब्जेक्ट अपने एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज रखना चाहते हैं, सरफेस एरिया को कम करना चाहते हैं, इसलिए वो स्फेरिकल लेता है वाटर शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द लाउडनेस ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो लाउडनेस होती है साउंड की जो स्ट्रिंग के वाइब्रेट करने से होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? द एम्पलीट्यूड, सेकंड स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, थर्ड द फ्रीक्वेंसी, फोर्थ वाइब्रेटिंग लेंथ। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव बिकम्स डबल देन द लाउडनेस ऑफ द साउंड विल बी क्वाड्रुपल्ड। इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। जो कोफिशियंट होता है एब्जॉर्प्शन का परफेक्ट ब्लैक बॉडी का वो कितना होता है? वन, इन्फाइनाइट, जीरो, बिटवीन जीरो एंड वन। इसका सही आंसर है वन,
फर्स्ट ऑप्शन, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएंट हीट इंसिडेंट अपॉन इट इट्स कॉल्ड अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। दस द कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1। In fact, the blackness of such a body is due to the effect that it does not reflect or transmit any part of the heat incident upon it. Next, question number 19. Joule is the unit of. Joule किसका unit होता है? Temperature का, pressure का, energy का या फिर electric potential का? तो इसका सही answer है third, energy. Joule is the SI unit of work or energy, equal to the work done by a force of 1 newton when its point of application moves 1 meter. In the direction of action of the force, equivalent to 3600th of a watt hour. तो जूल एक ऐसा यूनिट होता है वर्क और एनर्जी का, इक्वल टू द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन इट्स पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन मूव्स 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, इक्वलेंट टू 1,3600th of a watt hour. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जो कलर होता है लाइट का वो किस से डिटरमाइन किया जाता है? वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फेस। तो इसका सही आंसर है वेवलेंथ। द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इट्स रिफ्लेक्ट्स। इट इज डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कलर ऑफ लाइट होता है वो डिटरमाइन वेवलेंथ होता है। द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इट्स रिफ्लेक्ट। जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट होता है उस वेवलेंथ से। इट इज डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ दैट सब्सटेंस दैट विल एब्जॉर्ब एंड रीमिट प्रोटॉन्स ऑफ पर्टिकुलर एनर्जीज अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लिकेटेड क्वांटम लॉज। नेक्स्ट, वेव थ्योरी वॉज प्रपोज बाय। वेव थ्योरी किसने प्रपोज की? न्यूटन ने, ह्यूजेन ने, रोमन ने या यंग ने? इसका सही आंसर है ह्यूजेन ने। द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वॉज द वे वी फर्स्ट अंडरस्टूड लाइट। द थ्योरी वॉज स्प्रेड मोस्ट सिग्निफिकेंटली बाय रॉबर्ट हुक एंड क्रिश्चियन ह्यूजेंस इन द 17th century। रॉबर्ट हुक और क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने 17th century में इसे बहुत ही सिग्निफिकेंटली स्प्रेड किया। द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वॉज द फर्स्ट वी अंडरस्टूड लाइट। इस वेव थ्योरी ऑफ लाइट की वजह से सबसे पहले हमने अच्छी तरीके से लाइट को समझा। सर आइजैक न्यूटन हेल्ड द थ्योरी दैट लाइट वॉज मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल। सर आइजैक न्यूटन ने थ्योरी हेल्ड की थी कि लाइट मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इन 1878 डच फिजिस्ट क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने बिलीव्ड दैट लाइट वॉज मेड अप ऑफ वेव्स वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट ट्रेवल्स एंड देयरफॉर फॉर्मुलेटेड अ वे ऑफ विजुअलाइजिंग वेव प्रोपागेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁰ सेकंड, 1.6 × 10⁻²⁷ कूलम थर्ड, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम फोर्थ, 6.1 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इसका सही आंसर है थर्ड, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ई बट बियरिंग अ नेगेटिव साइन सिंस द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज इज रफली 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्स देन द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज −1.602 × 10⁻¹⁹। तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो चार्ज हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज मोर प्रेफर्ड देन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज़ द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन गिव्स। जो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मोर प्रेफर किया जाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से। तो वो क्यों होता है? लो करंट गेन, लो वोल्टेज गेन, लो पावर गेन। लो करंट गेन, हाई वोल्टेज गेन एंड लो पावर गेन। हाई करंट गेन, हाई वोल्टा गेन एंड हाई पावर गेन। हाई करंट गेन, हाई वोल्टेज गेन एंड लो पावर गेन। तो इसका सही आंसर है थर्ड, हाई करंट गेन, हाई वोल्टा गेन एंड हाई पावर गेन। क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के पास हाई करंट गेन होता है, हाई वोल्टा गेन होता है एंड हाई पावर गेन होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्रिस्टल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स आर इन। क्रिस्टल्स जो यूज होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट्स में वो किस में होते हैं? जो लो मेल्टिंग पॉइंट के क्रिस्टल्स होते हैं वैन डर वाल्स बॉन्ड में, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। यानी कि कौन से क्रिस्टल्स लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं जो इस बॉन्ड से बने होते हैं, वैन डर वाल्स बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन,
metallic bond. Metallic bonding is the force of attraction between the valence electrons and the metal ions. It is the sharing of many detached electrons between many positive ions, where the electrons act as a glue, giving the substance a definite structure. Next. Question number 25. In a AC circuit containing capacitance only. AC circuit में अगर उसने कुछ capacitance consist किया only, तो first current lags the EMF by pi by 2, current leads the EMF by pi by 2, current leads the EMF by pi and current lags the EMF by pi. तो इसका सही answer है option number first. AC circuit में जब capacitance वो consist करता है तो current lags the EMF by pi by 2. तब करंट पीछे रहता है ईएमएफ के पाई बाय टू फेस से. इसी तरह से हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए फिजिक्स सेट 3 के. इसी तरह से हम और भी सेट्स लाते रहेंगे और भी नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे. तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा पर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से आपका प्यार हमारे साथ बनाए रखिए. तब तक के लिए मोटिवेटेड रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और स्टडी के लिए फोकस रहिए. थैंक यू वेरी मच.